और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां क्राइम ब्रांच ने ऐसे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि इंस्टाग्राम पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाकर न्यूड वीडियो कॉलिंग करके ब्लैकमेल करने का काम करते थे। गिरोह का मास्टरमाइंड हिमांशु अपनी प्रेमिका के साथ वीडियो बनाकर शिकारी को झांसे में लेता था। गिरोह में हिमांशु का नाबालिग भाई भी शामिल है। वहीं आरोपी के पिता जम्मू के CRPF में अफसर है। पुलिस ने गिरोह में 4 छात्रों सहित 1 छात्रा को भी गिरफ्तार किया है। मामले में थाना प्रभारी सतीश पटेल ने बताया कि गिरोह को संचालित करने वाला हिमांशु गोल्फ को संचालित करता था और उसने इस काम में अपनी गर्लफ्रेंड को भी शामिल कर रखा था। गिरोह में हिमांशु तिवारी पिता रमाकांत तिवारी निवासी इंदौर, उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका विश्वकर्मा पिता पुष्पेद इंदौर सहित तो उसका छोटा भाई अमर और रीवा के भी 2 अन्य छात्र रोहन और सीताराम को गिरफ्तार किया गया है। सभी छात्रों के द्वारा पहले इंस्टाग्राम पर किसी आकर्षक महिला का फोटो लगाया जाता और उसे वायरल किया जाता। जब कोई शिकार उनसे दोस्ती करने की बात करता तो पहले उसे युवती बनकर बात की जाती और फिर अश्लील वीडियो कॉलिंग कर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता। बाद में उसकी प्रोफाइल पर उसे भेजकर संबंधित से रुपए मांगे जाते थे। अब तक 35 लोगों को आरोपियों ने ब्लैकमेल करने का आरोप कबूला है। गिरोह का सरगना हिमांशु के पिता रमाकांत जम्मू कश्मीर के CRPF के ऑफिसर हैं। शहर के पौस इलाके स्कीम नंबर 136 में रहने वाले रमाकांत के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हिमांशु है। हिमांशु ने बताया कि 1 साल पहले वो भी इंस्टाग्राम की गिरोह का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसने भी अपने अश्लील वीडियो बनाने के बाद गिरोह को रुपए दिए थे, जिसके बाद उसने इसकी बात अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका विश्वकर्मा से की। दोनों ने जल्द रुपए कमाने की लालच में पहले इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई, महिलाओं की फोटो लगाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उन्हें पहले प्रियंका अपना ऑडियो भेजती, वहीं शिकार जब फंस जाता तो उसका अश्लील वीडियो चैटिंग बनाकर भेज देते थे और वहीं उसके बाद उससे रुपयों की डिमांड करते थे। हिमांशु ने पुलिस को जानकारी दी कि इंस्टाग्राम पर आसानी से प्रोफाइल बन जाती है। पिता ने जानकारी दी कि घर में ही अपने कमरे में पढ़ाई के बहाने उसने लैपटॉप और वाईफाई लगवा लिया था। अपने दोस्तों के साथ घंटों सिस्टम पर काम करता रहता था, लेकिन वो इस तरह से काम करेगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इंस्टाग्राम पे किसी लड़की के नाम की फर्जी आईडियां अलग अलग बना लेते थे और उसके बाद में ये अपने अलग अलग जो उनके इंस्टाग्राम के जो मेंबर्स हैं उनसे ये संपर्क करते थे, उनको लालच देते थे। फिर इनकी एक जो गर्लफ्रेंड थी वो वॉइस क्लिप भी डाल देती थी, जिससे उसको सामने वाले को ये कंफर्म हो जाता था कि उनकी जो चैटिंग हो रही है वो किसी लड़की से ही हो रही है। तो इस प्रकार से ये अपना काम करते थे। उसके बाद वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉल में इनके पास पहले से क्लिप बनी होती थी, उसको मोबाइल से क्लोज करके और सामने वाले को ऐसा लगता था कि वो वास्तव में कोई लड़की इस टाइप से अश्लील हरकत कर रही है उनके सामने, और फिर ये जो उनसे पैसा लेते थे।